आज हम बहुत ही चटपटी, स्वादिष्ट और हेल्दी और टेस्टी चटनी की रेसिपी लेके आए हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक तरह का चटनी है। तो आइए बताते हैं और दिखाते हैं कैसे बनाए और किस चीज़ की चटनी है। तो गाय जी, इसे बनाने के लिए चाहिए हमें अमरुद। अमरुद तो आप डेली खाते ही हैं, ये हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है आपको पता ही है। तो अगर आप खाना पसंद ना करते या टाइम ना हो तो इसे चटनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो अमरूद मैंने ले लिया है 4, जो पीला साइज का अमरूद दिख रहा है, पीला कलर का, इस तरह का अमरूद ना लीजिएगा, मैंने दिखाने के लिए ले लिया था। इसका चटनी बनाएंगे तो मीठा मीठा लगेगा, जिससे इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इस टाइप का हरा हरा लीजिएगा, एकदम फूला हुआ हो और हरा हरा हो, उसका चटनी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अमरूद को अच्छे से धो लेना है, दोनों किनारे काट लेना है और छोटे छोटे क्यूब में इसे काट लेंगे, ताकि इसे पीसने में आसानी हो। थोड़ा अमरूद ज़्यादा ही थोड़ा कच्चा था, थोड़ा इससे फूला हुआ लीजिएगा, लेकिन एकदम पका हुआ अमरूद नहीं चाहिए। इस तरह के अमरूद से बनाएंगे तो बहुत ही चटपटी और टेस्टी चटनी बनती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है अमरूद। तो इसका प्रयोग अवश्य करें आप अपने खाने में, अगर ऐसे खाने का टाइम नहीं मिल रहा हो तो। तो अमरूद को चाहे तो ऊपर से जो काला काला ब्लैक जो धब्बा दिख रहा है उसे आप काट के निकाल सकते हैं, अमरूद को छील भी सकते हैं, ऐसे ऐसे ही पीस लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे काट के हम कर लेते हैं रेडी। तो अमरूद हमारा कट चुका है, इसे एक मिक्सी के जार में हम डाल लेंगे और डालेंगे इसमें 8 से 10, मैंने हरी मिर्ची ली है, ये तीखा नहीं है, तीखा हो तो कम लें, और 8-10 लहसुन की कलियाँ ले ली है और पानी डाल के इसे पीस लेना है। मैंने बीज नहीं निकाला है, बीज भी इसी के साथ ही है। तो इसे पीसने के बाद एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इससे चटपटा बनाएंगे। तो चलिए इसमें नमक वगैरह मिला लेते हैं। बनाना बहुत ईजी है और चटपटा टेस्टी लाजवाब सी चटनी बन के आती है। तो इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच सादा नमक है और 1/2 चम्मच डालेंगे काला नमक। काला नमक भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अमरूद के साथ काला नमक खाने से जो इसके फायदे और दोगुने हो जाते हैं। और इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटी सी स्पाइसी चटनी बन के रेडी होती है। आप इसे रोटी चावल या सुबह के खाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो इसमें आप कड़ी पत्ता और राइस से इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अलग दिखाना चाहते हो तो आप इस तरह से तड़का लगा सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत ही चटपटी चटकदार मज़ेदार चटनी बनके रेडी होती है। तो गाइस, आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उस रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।